अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ए जी जनाब इतफाक ही है ड्राइवर की गलती ना, फिर ट्रैक्टर अज गया चला जे इस छाड़े च। ये तो आए रोज़ 6 या 4 महीने बाद ना इतने काम होता ही है, तो हम तो जल्दी जल्दी आने लग पे है। लाया भी दोस्तों 85 जी है ट्राला जी है खाले में लाया गया जी। बस ड्राइवर साहब ने परली दीवार बचाई है, दीवार बचांदा औली साइड जी है ना थले आ गया, तो तुहानू विखाने परली साइड भी किस तरीके थले आया है। वेख सकते दोस्तों बिल्कुल ना इतने ट्राले का टायर जी ए वेख लो जिथे मेरा पैर आ रहा है, इतों ही ना जी ना खिंच के ना भरा खाले लै गया जी। तो हालांकि काफ़ी जगह हैगी सी, लेकिन परली साइड जी किनारा खाले का वो गिला हैगा सी, जिंदी वजह ना पानी हैगा सी खाले च, तो जमीन बैठ गई तो ट्राले नू खिंच के छाड़ च लै गई है जनाब खाले च। ये वजह तकरीबन ड्राइवर की गलती नहीं हैगी, ये साफ नज़र पे आता है, तो बस ये इतफाकिया हो गया जी। तो हूँ फिर इसनू जनाब उतारने तो फिर इस अगर खिंचन की कोशिश करांगे, 85 नाल फिर हो सकता 75 ले आना पवे, इन अगे खिंचांगे तो फिर तुम विखावे भी किस तरीके फिर इस कटने। दोस्तों ट्राली खाली कर दी है, इसमें कटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये नहीं निकला जे हमने तो अगे ना ट्रैक्टर पावना पैसे का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा मेज़बान मियां मोहम्मद अफसल बट्टू। तो फिर अगला स्टेप शुरू हो गया जे, हमने इस ट्रैक्टर ना इधर अगे एक ट्रैक्टर होर लाऊंगा अलगाजी, तो कल्ले ने अपने आप नहीं खिंचया ट्राले, क्योंकि ट्राला जेड़ा ना काफ़ी बिच बह गया खाले दे बिच। दोस्तों आज लगाजी आ गया जी, इस दी मदद नाल कढ़न लगे जी।
ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਈ ਛੋਟੇ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਟਰਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਜੇ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੱਢੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਸੀਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪਰਲੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਅੜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਟ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਰਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਆ